हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। अगर आप इन सारे वीडियोस को एक ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल पे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर तो आपको जो है ये हमारा प्ले स्टोर पे भी आपको ये ऐप मिल जाएगा कॉमर्स की पाठशाला के नाम से। पर एक बात मैं बता दूं कि इसका ऑफिशियल लॉन्च जो है वो 5th of September को होने वाला है। आप चाहें तो अभी डाउनलोड करके रख सकते हैं, सारी कोर्सेज हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें। 5th of September को ये कम्प्लीटली लॉन्च हो जाएगा। उससे पहले आप चाहें तो एक बार ऐप को देख सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आप वहां से कर पाओगे। तो ये वीडियोस मैं उसी ऐप में ऐड करने वाला हूँ, प्लस और भी बहुत सारी लाइव क्लासेस वहां पे होंगी, प्लस वहां पे नोट्स भी दिए जाएंगे और उन सब के लिए एक नॉमिनल सी फी ली जाएगी कोर्स वाइज। और बहुत सारे फ्री कंटेंट भी वहां पे अवेलेबल रहेंगे और सारी चीजें ऑर्डर में रहेंगी। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप जल्दी से जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर लो, बिकॉज इन फ्यूचर जाकर के वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के टॉपिक को करते हैं स्टार्ट, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, तो चलिए फिर देखते हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड द सेलर्स कंपीटिंग विद ईच अदर इन परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स respectively and no individual buyer or seller has any influence over the price. तो यहाँ पे देखो, आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपने ऑलरेडी लाइक 11th 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, तो सेलर्स के पास भी ऑप्शन होता है कि उनको अपने प्राइस को, अपने सामान को किस प्राइस पे बेचना है। हालांकि उनको बाकी सारे सेलर्स के प्राइस को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा दाम में बेचोगे तो आपका सामान बिकेगा नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर्स होते हैं उनके पास भी ये ऑप्शन होता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो वो जिसके पास चाहे उनके पास जाकर के वो खरीद सकते हैं, जिनका भी क्वालिटी है, फिर जिनका भी प्राइस उनको अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के पास एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पे चलता है। आप यहाँ पे कंज्यूमर इज किंग बोल सकते हो। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कंज्यूमर जो होता है वो किंग होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के हाथ में कुछ नहीं होता। सेलर अगर ज्यादा प्राइस देंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उनको मना कर सको कि आपके पास प्राइस ज्यादा, मैं कहीं और से लूंगा, परफेक्ट कंपटीशन में। बट मोनोपोली में क्या हो रहा है कि मोनोपोली में आपको मौका ही नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि उस सामान को बना रही है, तो आपको उसी के पास से खरीदना पड़ेगा। तो मोनोपोली में ये दिक्कत होती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ये दिक्कत नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जहाँ पे लोग आराम से बार्गेनिंग करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं या फिर खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल बायर या सेलर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, दस परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो होता है, जो मार्केट होता है, वो एक तरीके से सबसे अच्छा मार्केट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की इन्फ्लुएंस नहीं होती है, मोनोपोली की कोई यहाँ पे बात नहीं होती है, और मार्केट में कॉम्पिटिशन बना हुआ रहता है। तो दैट इज वाई दिस फॉर्म ऑफ मार्केट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट डिग्री यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है। तो ये बेस्ट एक तरीके से मार्केट कॉम्पिटिशन का एक आप फॉर्म बोल सकते हो। ठीक है, पॉइंट वाइज अगर डिस्कस करना चाहें कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में ही बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हो। सबसे पहला तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वही है सबसे पहले वाले पॉइंट में। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिवली स्मॉल सेलर्स एंड बायर्स एज कम्पेयर टू द मार्केट एज ए होल। ठीक है ना, अगर आप एज अ मार्केट होल अगर आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स एंड बायर्स मिल जाएंगे, क्योंकि अपने अपने हिसाब से चीजों को वहां पे सेल या फिर बाय कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का इन्फ्लुएंस में आकर के आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको देखना है कि क्या सही है आपके लिए, एंड देन उसके बेसिस पे आप चीजों को करते हो। ठीक है, दैट इज व्हाई नन ऑफ देम इज केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट प्राइस। और इसी कारण से वो लोग मार्केट प्राइस को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है कि आपके पास ही सारा प्रोडक्ट होता है, आप ही उसको एक तरीके से मार्केट में सप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको उस चीज का प्राइस क्या रखना है। आप अगर ज्यादा भी प्राइस रखोगे तो सामने वाला बंदा विवश है उस चीज को खरीदने के लिए, है ना। तो ये चीज यहाँ पे एक देखने को मिलती है जो कि मोनोपोली में होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। फर्दर बायर सेलर शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन और यूनियन टू अराइव इट एट अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड टू द मार्केट डिमांड प्राइसेस और सेल्स। ठीक है ना, तो फर्दर अगर देखा जाए तो बायर और सेलर्स के पास किसी भी तरह का एसोसिएशन या फिर यूनियन नहीं होता है जो कि एक तरीके से मार्केट डिमांड को डिसाइड करे। ठीक है ना, मार्केट डिमांड जो है उसकी प्राइसेस के ऊपर, उसकी सप्लाई के ऊपर ही जो है डिपेंड करेगा। डिमांड जो भी प्राइसेस होंगी उनके, उसके प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होता जो कि इन चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। सो दिस इज कॉल्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक तरीके से मार्केट, है ना, जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। दूसरा पॉइंट है द प्रोडक्ट सोल्ड बाई डिफरेंट सेलर्स आर होमोजेनस एंड आइडेंटिकल। यहाँ पे जितने भी सारे प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं बाय द डिफरेंट सेलर्स, तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम किस्म के होते हैं, तभी ना भाई आप एक जगह छोड़ोगे तो दूसरी जगह जाकर के खरीदोगे, है ना। तो होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, एक ही तरह के प्रोडक्ट होते हैं, बट कोई कम दाम में, कोई ज्यादा दाम में बेचता है, कोई अच्छी क्वालिटी का रखता है तो वो कम दाम में बेचता है, कोई अच्छी क्वालिटी का रखता है तो वो ज्यादा दाम में बेचता है, तो ऐसा होता है।
देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन ऑन प्रोडक्ट बाय सेलर बाय वे ऑफ क्वालिटी वैरायटी कलर डिजाइन पैकेजिंग और अदर सेलिंग कंडीशंस ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा प्रोडक्ट, अब देखो कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट है तो उस कंपनी का प्रोडक्ट अगर कोई और बंदा रखेगा तो उसका कलर वैरायटी डिजाइन का कुछ चेंजेस होगा, नहीं होगा ना, सब कुछ सेम ही रहेगा, तो उसी को ध्यान में रखकर के ये बात बोली जा रही है। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनी दूसरी कंपनी को कॉपी करती है और सेम तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करती है एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, तो डेफिनेटली वहां पे उसकी क्वालिटी, वहां पे उसका कलर, वहां पे उसका डिजाइन जो है एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज मिलता है। बट यहाँ पे मैं उस कंडीशन को ध्यान में नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये मान रहा हूँ कि सेलर है बहुत सारे, तो सबके सब सेलर के पास जो भी दुकान में सामान होगा वो सबके पास एक ही किस्म का होगा, डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है ना। वो बात यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पे किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बायर द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पीटिंग सेलर्स आर कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूटेबल। ठीक है, वही बात है कि सेलर के पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, उसको अपने सामान को बेचना है तो वो अपने दाम को जैसे मर्जी वैसे रखे, लेकिन बायर के पास भी ऑप्शन है कि उसको नहीं खरीदना उसके पास से तो वो नहीं खरीदेगा, वो किसी और बंदे के पास से उसको सस्ते दाम पे मिलेगा तो वो उसी के पास उसके पास से खरीद लेगा, तो ये कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूएबल होता है, ठीक है ना। नाउ थर्ड पॉइंट है, देयर इज एब्सोल्यूट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू द इंडस्ट्री एंड द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर फ्री टू लीव द इंडस्ट्री। अब इसमें बहुत सारे कंपनीज को आसानी होती है कि वो बाहर जा सकती है, या फिर बहुत सारी कंपनीज को ये भी आसानी होती है कि वो किसी भी मार्केट में एंटर भी कर सकती है, तो दोनों चीजें जो है वहां पे अवेलेबल होती हैं ये सारी फैसिलिटीज। दिस इंश्योर्स दैट इवन इन द लॉन्ग रन द नंबर ऑफ फर्म शुड वुड कंटिन्यू टू रिमेन लार्ज एंड द रिलेटिव शेयर ऑफ ईच फर्म वुड कंटिन्यू टू रिमेन इनसिग्निफिकेंट। वही बात बोला गया है कि यहाँ पे एक तरीके से ये मैनेज किया जाता है, चीजों को देखा जाता है कि जो फर्म्स हैं वो धीरे धीरे बड़ी ही हो रही हैं, है ना, और यहाँ पे जो भी उनका रिलेटिव शेयर है मार्केट का वो अगर अच्छे तरीके से वो काम करेंगी तो मेंटेन रहेगा, रिमेन रहेगा, वही चीज बना हुआ रहेगा, पर अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी तो उनका मार्केट शेयर फिर घटेगा भी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही पॉसिबल है, ये बाकी और किसी भी तरह के फॉर्म ऑफ मार्केट में पॉसिबल नहीं हो पाती है। फोर्थ पॉइंट है, बोथ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द कंडीशंस इन विच दे आर ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों को आइडिया होता है कि वो किस मार्केट कंडीशन में ऑपरेट कर रहे हैं। बायर्स नो द प्राइस बीइंग चार्ज्ड बाय डिफरेंट कॉम्पीटिंग सेलर्स एंड सेलर्स नो द प्राइस ऑफ डिफरेंट बायर्स आर ऑफरिंग। सिंपल सी बात है, बायर को ये पता है कि अलग अलग कंपनीज किस किस प्राइस पे अपने सामान को बेच रही हैं, तभी ना आप डिसाइड करोगे कि कौन सा मुझे सही दाम पे दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से सेलर्स को भी पता है कि एक बायर किस किस प्राइस पे लेने को तैयार है, तो आप उसी प्राइस पे उसको बेचोगे, आप उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे। तो यहाँ पे सारी चीजें जो है होती हैं वो ओपन टू ऑल होती हैं और सभी यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से काम को कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं होता है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन होता है, टाइप ऑफ मार्केट होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशंस ऑफ कंपीटिंग सेलर्स इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड देयरफॉर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो इस केस में देखो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का जो जो खर्च होता है वो इस सिचुएशन में मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन मैटर करता ही नहीं है कि आप किस जगह पे अपने प्रोडक्ट को बना करके अपने सामान को भेज रहे हो। अगर आपका प्राइस कम होगा लोग लेंगे, प्राइस कम नहीं होगा तो नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लोकेशन का कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं, इसलिए बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन ऑफ कम्पीटिंग सेलर्स। आपका एक दुकानदार यहाँ है, एक दुकानदार 1 किलोमीटर के बाद है, ठीक है, तो भले ही डिफरेंस अलग अलग हो, डिस्टेंस अलग अलग हो, लेकिन वो चीज को एक ही दाम पे बेचेगा, वो अलग अलग दाम पे नहीं बेचेगा। तो आपको अगर कोई चीज यहाँ पे सस्ते दाम पे मिली तो फिर आप दूर दूर जाके क्यों लोगे। इसी कारण से जो प्राइस होता है वो अफेक्ट नहीं होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, और इसका फायदा जो है बायर्स को मिल पाता है। बायर्स डू नॉट हैव इनकर नोटिसेबल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इफ दे वॉन्ट टू स्विच ओवर फ्रॉम वन सेलर टू अनदर, ठीक है ना। तो बायर को कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं करना होगा अगर वो एक सेलर से दूसरे सेलर के पास जाते हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस वही है। आप अगर खुद जा रहे हो उस सामान को लाने के लिए तो आपका तो खर्च बढ़ ही रहा है, तो वो आपका हिस्से का प्रॉब्लम है। बायर सेलर को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको सेम प्राइस पे बेचना है, चाहे वो 1 किलोमीटर पहले बेचे या 1 किलोमीटर बाद में बेचे, ठीक है ना। तो डिफरेंट लोकेशंस का कोई भी असर जो है प्रोडक्ट के प्राइस पे नहीं पड़ता। सो दिस वाज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये पांच ही पॉइंट्स हैं, हाँ ये पांच ही पॉइंट्स हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, एंड हाँ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि इसी तरह की वीडियोज में जब भी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए बेल आइकन को दबाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।